चीनी सैनिकों की तवांग में ऐसी पिटाई हुई जिसकी चोट बीजिंग तक महसूस की गई। पूरी दुनिया ये तो जानती है कि चीनी सैनिकों के डंडे से जबरदस्त पिटाई हुई है, लेकिन वो डंडा कहाँ से आया जिसकी चोट ड्रैगन नहीं सह पाया। भारतीय सैनिकों ने वज्र नाम के नुकीले डंडे से चीनियों को पीटा। खास बात यह है कि इस डंडे से सिर्फ चोट नहीं लगती, करंट का झटका भी देती हैं। भारतीय सैनिक वज्र और त्रिशूल नाम के नॉन लिथियम वेपन से लैस थे, जिन्हें चीन को सबक सिखाने के लिए ही तैयार किया गया है। मेड इन इंडिया के तहत इन हथियारों को खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जो करंट के तेज झटके के साथ मुक्के का पंच भी जड़ते हैं। स्टील से तैयार ये नुकीले वज्र करंट से लैस हैं, जो प्रहार के साथ साथ तेज झटके देते हैं और दुश्मन देखते ही भागने को मजबूर हो जाता है। वही सेपर पंच से जोरदार मुक्का जड़ते हुए तेज बिजली के झटके दिए जा सकते हैं। ये करीब 8 घंटे तक चार्ज रह सकता है। यह वाटरप्रूफ है और माइनस टेम्परेचर में भी काम करता है। इसके साथ ही जवानों के लिए खास तरह की ढाल तैयार की गई है, जो इन्हें पत्थर के हमले से बचाती हैं। इनमें बहने वाला करंट दुश्मन को जोर का झटका धीरे से देता है, तो वही करंट से लैस त्रिशूल दुश्मन के हौसले परस्त करने के लिए काफ़ी हैं। इन सभी हथियारों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सभी बिजली से चार्ज होने वाले होते हैं और पावरफुल बैकअप हैं। बता दें कि गलवान घटना से सबक लेते हुए इन्हें तैयार किया गया है और LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों को दिए गए। गलवान घाटी में 2020 में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक मुठभेड़ में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। चीनी सैनिकों ने इस हिंसक मुठभेड़ में कंटीले तारों वाली लाठियों और इलेक्ट्रिक बैटल का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वज्र और त्रिशूल नाम के इन हथियारों से LAC पर तैनात सैनिकों को लैस किया गया है। इसे नोएडा की कंपनी एपेस्टेरॉन प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। वही तवांग में जारी टेंशन के बीच LAC पर भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। ड्रैगन को तवांग में खदेड़ने के बाद आज से ईस्टर्न सेक्टर में वायुसेना ने बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। युद्ध अभ्यास में वायुसेना के सभी घातक लड़ाकू विमान शामिल हैं तथा LAC के पास हो रहे इस युद्ध अभ्यास में राफेल सुखोई मिराज के साथ साथ तेजस भी हिस्सा ले रहे हैं।